Hey everyone, welcome to Biology at Ease. मेरी नीट बायोलॉजी फनी देसी ट्रिक सीरीज के अंदर आज मैं आप सभी को लर्न करवाने वाली हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स और कौन से हॉर्मोन्स वो सेग्रीट करते हैं. ठीक है, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर जितने भी नीट बायोलॉजी सिलेबस से शॉर्ट ट्रिक वीडियोस अपलोड करी है उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी हूँ. ये वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग मेरी बाकी सारी शॉर्ट देसी ट्रिक वीडियोस भी देख सकते हैं. ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज तो आपकी एनसीईआरटी में 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम दिए हुए हैं. बच्चों इनके नाम कैसे याद करने हैं, ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है हाई पिटुपिन, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस गए हैं पैन आधार लेने ताकि ओवरी टेस्ट दे सके. एक लड़की है पिटुपिन, मैं उसे बोल रही हूँ हाई पिटुपिन, थायराइड और पैराथायराइड थाइमस गए हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड लेने. क्यों चाहिए ये आईडी प्रूफ्स? ताकि हमारी ओवरी टेस्ट दे सके. हाई पिटुपिन, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस गए हैं पैन आधार लेने ताकि ओवरी टेस्ट दे सके. हाई, हाई से हाइपोथैलेमस, पिट्यू, पिट्यूटरी, पिन, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, पैन से पेनक्रियास, आधार से एड्रिनल ग्लैंड, लेने गए हैं ताकि ओवरी टेस्ट दे सके, यानी कि ओवरी एंड टेस्टिस. ये है हमारे 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब हम इनके सेक्रीशंस के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से हॉर्मोन्स ये सेक्रीट करते हैं. सारे हॉर्मोन्स को याद करने के लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, क्योंकि कुछ हॉर्मोन्स के नाम तो इजिली आपसे लर्न हो जाएंगे, कुछ कुछ डिफिकल्ट जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स, एड्रिनल ग्लैंड के हॉर्मोन्स, उनको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी. ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा हाई पिटुपिन में हाई, दैट इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस बच्चे दो टाइप के हॉर्मोन सेक्रीट करता है, रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स. अब पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस. एडिनो हाइपोफाइसिस फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट्स डिस्टालिस एंड पार्ट्स इंटरमीडिया. न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम पार्ट्स नर्वोसा कहते हैं, जिसे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है. अब आपको एक कोड याद करना है, 612, पार्ट्स डिस्टालिस, पार्ट्स इंटरमीडिया, पार्ट्स नर्वोसा. कोड कहता है 612, यानी कि पार्ट्स डिस्टालिस आपके 6 हार्मोन सेक्रीट करता है, पार्ट्स इंटरमीडिया 1 हार्मोन और पार्ट्स नर्वोसा आपके 2 हार्मोन सेक्रीट करता है. ठीक है, जो एक हार्मोन है बच्चे जो कि पार्ट्स इंटरमीडिया सेक्रीट करता है, उस हार्मोन का नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, पार्ट्स डिस्टालिस एंटीरियर पिट्यूटरी, इसके जो भी हार्मोन है उसको याद करने के मैंने ट्रिक बनाई है. पार्ट्स नर्वोसा, नर्वोसा वो, नर्वोसा में ही वो आ रहा है, और वो से, वी से वैसोप्रेसिन, ओ से ऑक्सीटोसिन. पार्ट्स नर्वोसा दो हार्मोन सेक्रीट करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. असल में वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, हाइपोथैलेमस में हो रहा है, लेकिन सेक्रीशन कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट्स नर्वोसा से होता है. ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स के नाम याद करने की ट्रिक कहती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रो होने के बाद प्रो हो गई है. हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी की जैसे ग्रोथ भी वो प्रो हो गई, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रो करने के बाद प्रो हो गई, थायराइड फॉलिकल को स्टिमुलेट करने लगी. ये एक्ट देखकर मुझे लज्जा आ गई. क्या हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी जैसे ही ग्रो हुई ना वो प्रो हो गई. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रो करने के बाद प्रो हो गई, थायराइड और फॉलिकल को स्टिमुलेट करने लगी, और उसकी ये हरकत देखने के बाद मुझे लज्जा आ गई. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रो करने के बाद ग्रो से ग्रोथ हार्मोन प्रो हो गई, प्रो से प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक्ट से ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, और लज्जा से LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स. अब हम चलते हैं पीनियल ग्लैंड पे. पीनियल ग्लैंड का एक ही हार्मोन होता है बेटा, मेलाटोनिन. ठीक है, नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड. नाम में ही इसके हार्मोन्स का नाम छुपा है, थायराइड ग्लैंड, ट्राइआइडोथायरोनिन T3, टेट्राआइडोथायरोनिन जिसे कि हम थायरोक्सिन भी कहते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड हार्मोन PTH इसे कहते हैं, थाइमस नाम में ही हार्मोन का नाम छुपा है, थाइमोसिन्स, एड्रिनल ग्लैंड इसके लिए ट्रिक बताऊंगी. एड्रिनल ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, आउटर पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनर पार्ट एड्रिनल मेडुला. जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड्स. अब एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती है, तीनों लेयर का सीक्वेंस MCQ के फॉर्म में नीट में पूछा जा सकता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के लेयर्स का इनसाइड टू आउटसाइड या फिर आउटसाइड टू इनसाइड आपको सीक्वेंस बताना है. तो मैंने कुछ इस तरीके से लर्न किया हुआ है बच्चों. सीक्वेंस कहता है RFG, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा. कैसे पता चलेगा R वाली लेयर अंदर है, R से रेटी, रेटी से रैट,
रैट घर में कहाँ छुपा होता है, अंदर ही तो छुपा होता है घर के। तो रेटिकुलरिस इनर लेयर है आपकी एड्रिनल कॉर्टेक्स की। एड्रिनल कॉर्टेक्स की तीन लेयर होती है, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा। कैसे पता चलेगा कि इनसाइड वाली लेयर कौन सी है? रेटिकुलरिस, रैट क्योंकि घर के अंदर मौजूद होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स को हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। रैट सेक्स कॉर्टिकॉइड्स सेक्रेट करता है, जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सेक्रेट करती है, और जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सेक्रेट करते हैं। नेक्स्ट रीजन होता है हमारे एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला के दो हॉर्मोन्स एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, नॉर एड्रिनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पेंक्रियास। पेंक्रियास के पास दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागन सेक्रेट करते हैं और बीटा सेल इंसुलिन सेक्रेट करते हैं। बेटा इंसुलिन बीटा सेल इंसुलिन सेक्रीट कर रहा है। लास्ट में ओवरी, सबको पता है कि ओवरी फीमेल्स में होती है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सेक्रीट करती है, इजी है। टेस्टीज मेल हार्मोन सेक्रीट करती है, एंड्रोजन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। फटाफट से सम अप कर देती हूँ, हमारे 10 एंडोक्राइन के नाम क्या कहते हैं? हाई पिटुपेन, थायरॉयड, पैराथायरॉयड, थाइमस गए हैं पैन आधार लेने ताकि ओवरी टेस्ट दे सके। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रो करने के बाद प्रो हो गए, थायराइड और फॉलिकल को स्टिमुलेट करने लगी, ये एक्ट देखकर मुझे लज्जा आ गई। नेक्स्ट, मैंने आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स के लेयर्स को याद करने की ट्रिक बताई गई है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की तीन लेयर होती हैं, GFR बोले या फिर RFG बोले, बस इतना याद रखना कि जो R है, R से रैट, रैटी, रैट का होता है घर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जोना रेटिकुलरिस क्या होती है? इनर लेयर होती है आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो ये है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हॉर्मोन्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।